हाय हेलो, वेलकम बैक। तो ये है पार्ट 2। तो अगर आपने पहला पार्ट देखा है जिसमें हम किन्नौर गए थे, तो ये वाला जो पार्ट है हम इसमें स्पीति गए हैं, और स्पीति से हम नाको तक गए थे, और नाको में जाके हमने शूट किया था अपना पूरा का पूरा। तो इसमें हमने सिर्फ सफ़र दिखाया और थोड़ा बहुत शूट जो हमने लोकेशन यहाँ पे की थी वो है, वो सारा का सारा। तो आओ और इन्जॉय करो, और देखो कि नाको की बिल्कुल ही पथरीली पहाड़ियाँ कैसी है। और उस वक्त उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी थी, क्योंकि जिस वक्त हम गए थे इस वक्त थोड़ी बर्फ़ बची हुई थी उन एरियाज़ में। तो वहाँ पर उसमें बर्फ़ भी है थोड़ी थोड़ी, और रोड साइड व्यू बहुत ही सही है, उनको चेक करो। आज हम आए हैं, एक गाने का शूट कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हम चाय लाए हुए हैं। और अभी 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 हमने अपनी गाड़ी वाड़ी गाड़ी और बाइक्स पार्क की हैं, बस जस्ट अभी एक लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हम शूट करना शुरू करेंगे। वैसे तो ये पुराना शूट है, ऑलरेडी हमने कुछ मार्च में और अप्रैल में कर दिया था, लेकिन उसका कुछ पार्ट अभी बचा हुआ था तो वो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और गाने का नाम राही है, और अवेलेबल है हर जगह, जा सकते हो और सुन सकते हो आप लोग इसे इंटरनेट पे। तो अभी हम शूट करना शुरू करेंगे थोड़ी देर में, सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है, सारा क्रू पहुंच गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा पार्ट है सिर्फ शूट करने के लिए, बाकी कुछ दिनों में वीडियो रिलीज़ होगी, देखना इसे इंटरनेट पे, यूट्यूब चैनल पे, द नॉर्दर्न वेव्स के। और ये पूरा का पूरा क्रू पहुँच गया इधर लोकेशन पे, थोड़ी देर में शूट करेंगे। और DOP मिस्टर अभी पठानिया, गुड ऑन रिपोर्टिंग। और दूसरे DOP वहाँ बैठे हैं मिस्टर हिमांशु, बाकी सारे सारे रेंगो दादा को देखना, रेंगो दादा। और ये ब्यूटीफुल सा कैफे है यहाँ पर, चायल में वहाँ पर आए हैं हम, दिस इज अमेजिंग। अभी अंदर जाके देखेंगे हाउ इट इज। आग सेक रहे हो तो काफ़ी ठंड है ना?
जैकेट देख सकते हैं, जून में होती है ठंड एक्चुअली ना हमारे यहाँ पर, जब बर्फ पड़ती है, बर्फ बारिश पड़ती होती है ना, है। काफी बर्फ पड़ी हुई है उस वजह से सारी जगह बर्फ पड़ी है। और देखो इनको आग सेकनी पड़ रही है भरी धूप में। और ये छूट चल रहा है हमारा। और ये हम पहुंचे चायल के पास, है एक कैफे, वहाँ पहुंचे हुए हैं। जनाडू का एक्सटेंडेड कैफे है एक, और जनाडू का एक, जनाडू का कैफे आपको पता ही होगा अश्विनी खड्ड में है, दूसरा कैफे वो यहाँ पर है। अच्छा फिर क्या हुआ? और डीओपी नंगा हो गया है, कितने बुरे हाल हो गए इसके, नंगा होना पड़ रहा है। भाई पैंट क्या एंड लग रहे ऊपर देखो। थैंक यू वेरी मच, कैसा लगा व्लॉग बताओ कमेंट्स में, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को और देखते रहो अजय कौशल व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच।